नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट को नींबू या फिर नींबू जैसे खट्टे फल संतरा मौसमी कीनू आम बंद किए जाते हैं। पेशेंट के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ने हमें परहेज में डाला है, बट ये नहीं पता होता ये परहेज हम क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। तो इसी को कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्लियर अप करने की, आपको बता सके कि हम अगर आपको ये परहेज बता रहे कि आपने खट्टा नहीं खाना तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए जानना है अब उतना ही ज़रूरी आप लोगों के लिए भी जानना हो गया है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे हम अपनी किडनी की हेल्थ को परफेक्ट रख सकते हैं। अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट की हम बारे में बात करें तो जब किडनी फेल होती है तो बॉडी में किडनी का काम नहीं हो पा रहा होता। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है खून को साफ करना, और खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेशियम है, सोडियम है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। और अक्सर इसको हम अपनी KFT रिपोर्ट में भी देखते हैं, इन्हीं को हम बार बार चेक कर रहे होते हैं। मगर सिर्फ हमारी बॉडी में किडनी का ये रोल नहीं होता सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया को निकालने का। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल बन रहे होते हैं जो कि हम अपनी KFT रिपोर्ट में नहीं देखते, मगर वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट डालते हैं। उनमें से एक होता है एसिड, यानी जब हम कुछ भी खाना खाते हैं हमारी जब बॉडी के सेल्स उसको कंज्यूम करते हैं तो छोटा सा एक वेस्ट मटेरियल निकालते हैं जो है एसिड। ये एसिड हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हुए हमारी किडनी में जाता है और किडनी जितना भी एसिड होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है नॉर्मली। पर जब आपकी किडनी खराब हो जाती है या खराब होना शुरू होती है तो किडनी का ये काम, जैसे वो क्रिएटिनिन को नहीं निकाल पा रही, यूरिया को नहीं निकाल पा रही, वो एसिड को भी नहीं निकाल नहीं पा रही होती। ये एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जैसे क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे ही एसिड की मात्रा बढ़ती है तो जो ब्लड का pH होता है वो एसिडिक हो जाता है, तेजाबी हो जाता है। अब आप खुद सोचो, ये अगर तेजाब आपकी किडनी में जाता है तो आपकी किडनी के स्ट्रक्चर को और तेज़ी से नुकसान पहुंचाना शुरू करता है क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज में है। तो इस डैमेज की कंडीशन, ये जब एसिड इकट्ठा होता है और हमारी किडनी को डैमेज करता है, इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर अब किडनी फेलियर का पेशेंट ऐसी कंडीशन के अंदर खट्टे फल खाएगा, नींबू संतरा कीनू विनेगर ले रहा है, कोई भी खट्टी चीज़ लेता है, तो ये एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाती है और रिजल्ट क्या होगा, ब्लड का एसिड किडनी को और तेज़ी से ख़राब करेगा। और हम ये देखते हैं अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट है उसके लेवल जो हैं क्रिएटिनिन के 3.5 तक बहुत धीरे धीरे आते हैं, कई साल लगाते हैं, मगर जैसे ही 3.5 और 4 का लेवल क्रिएटिनिन का क्रॉस होता है हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन की जो वैल्यूज है वो तेज़ी से बदलनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है और उसको 4 से 8 होने में टाइम नहीं लगता क्योंकि इसके पीछे कारण है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस एसिड को ब्लड में रेगुलेट करने के लिए कि ब्लड में एसिड एक्स्ट्रा ना जाए, इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके खट्टे फल नींबू संतरा मौसमी कीनू आम या फिर एसिडिक एसिड जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें खट्टी चीज़ें बंद होती हैं। यहाँ तक दही भी बंद होती है क्योंकि दही के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि वो एसिड है तो वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इस वजह से जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट को पूरी तरह से बंद रखनी चाहिए कि उसकी बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन तैयार ना हो जहां पर उसकी किडनी तेज़ी से डैमेज में आनी शुरू हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे ब्लड में एसिड है तो मैं उसे चेक कैसे करूँ, क्योंकि हम क्रिएटिनिन को तो KFT में देख लेते हैं, यूरिया को भी हम KFT में देख लेते हैं, तो इसको भी चेक करने का कोई तरीका होना चाहिए। इसका तरीका ये होता है कि हम टेस्ट करवाते हैं सीरम बाइकार्बोनेट का। अब बाइकार्बोनेट है वो एसिड का उल्टा होता है, तो अगर हमारी ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट कम है यानी एसिड ज़्यादा है, और अगर बाइकार्बोनेट ऊपर है तो एसिड कम है। तो हम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ को देखकर एसिड का आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा ब्लड कितना एसिडिक है। तो आप अगर किसी लैब में जाते हैं, अच्छे लैब में जाते हैं, वहाँ पे कहेंगे कि KFT के साथ साथ मेरा सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर दो, तो आपको आराम से वो टेस्ट हो जाता है। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो तकरीबन होती है 22 to 29। अगर आपका बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ इस रेंज में आ रही हैं तो आपके ब्लड में एसिड एक्युमुलेट नहीं हो रहा। अगर आपकी बाइकार्बोनेट की वैल्यू इससे नीचे आ रही है
यानी अगर मान लो कि 15-16 आ रही है, यानी हमारे ब्लड के अंदर एसिड की एक्यूमुलेशन चल रही है, और इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसको रोकने का तरीका बहुत आसान होता है। आपने अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर बेकिंग सोडा देखा होगा, जो कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प लेते हैं, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ की फर्मेंटेशन हो, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ढोकला बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज़ हम एक चीज़ में और में भी करते हैं, और वो है इनो में। आपको जब पेट में जलन होती है तो आप क्या करते हैं, इनो का एक पैकेट लेते हैं, खोलते हैं और उसे हम ले लेते हैं। अब इनो के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक थोड़ा सा सिट्रिक एसिड होता है और उसमें होता है हमारा बेकिंग सोडा। जब हम पानी में डालते हैं तो वो झाग बना देता है। हमें झाग नहीं चाहिए होती, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड जा रहा है। तो हम सिट्रिक एसिड को इनो से निकालें तो क्या बच गया, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है, ये हर किडनी फेलियर पेशेंट को लेना चाहिए। अगर आपके लेवल कम है तो कम मात्रा में, अगर आपके लेवल ज़्यादा है तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये किडनी को बचाए रखता है, ख़राब होने से रोके रखता है। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट इसका सपोर्ट हटा देता है, नोडोसिस का, सबोसिस का, या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का सपोर्ट हटा देता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और किडनी को तेज़ी से ख़राब करना शुरू कर देता है। तो आज आपने क्या करना है, आपने आज गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पूरी पढ़ाई कर लेनी है। कुछ मेडिकल वर्ड्स होंगे, समझने में मुश्किल होगा, मगर आप उसे आसान भाषा में, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ तो अब आपको इतनी मुश्किल महसूस नहीं होगी। तो अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और जब आप श्रेयास में आते हैं, साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, आपके खट्टे फल, खट्टी चीज़ें बंद करवाई जाती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम ऐसा आपके साथ क्यों परहेज करवा रहे हैं। तो हम जब अपना परहेज सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से हम किडनी की मेडिसिन लेते हैं और सही तरीके से किडनी पे काम करते हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं जाते जाते अब आपको कुछ पेशेंट के साथ छोड़ जाता हूँ। आप उनकी वीडियोज़ देखिए, उनकी रिपोर्ट्स देखिए, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं और क्यों हमारे खाने के अंदर परहेज ज़रूरी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी की जो क्रिएटिनिन लेवल था वो एक महीने पहले 13 का लेवल था, और ये आज हमारे पास एक महीने बाद आए हैं अपनी फ्रेश रिपोर्ट लेकर, और आज उनका क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 2.18। ये जो 13 से 2 तक का जो हमारा क्रिएटिनिन डाउन गया, इसको पहले जानते हैं शाहबुद्दीन से, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कैसे अचीव किया। तो शाहबुद्दीन जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी ख़राब हो रही है? असल में मेरे पेन हुआ था किडनी में, वो पथरी का पेन था। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर, मैंने जो है फिर टेस्ट कराया और डॉक्टर को दिखाया मेरठ में। वहाँ दिखाने के बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट जब आई तो वो क्रिएटिनिन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। कितना था उस टाइम में लेवल? उस टाइम 7.8 था। 7.8, हाँ। फिर दो दिन के बाद ही फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर 11.8 हो गया था। अच्छा, जब आप साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब लेवल क्या थे जी? साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब आपके क्रिएटिनिन का लेवल कितना था? हाँ, उस वक्त जब यहाँ हम आए तो उस वक्त नहीं, 13 था। 13 के आसपास आपका लेवल था? हाँ, 13 का लेवल था हमारा। और तो डॉक्टर्स ने कुछ बोला होगा जब आपके लेवल इतने बढ़ रहे थे, कुछ बताया था कि क्या करना है? हाँ, उन्होंने तो डायलिसिस बताई दी। डायलिसिस करने के लिए आपको बोला? हम वहाँ डायलिसिस न करा के फिर हम, आपका पता लगा ओके, फिर हम यहाँ आपके पास आए। और फिर जब दवा शुरू हुई तो उस, जब मैं यहाँ आया था पहली बार तो उस वक्त वीकनेस काफ़ी थी और पीलापन था चेहरे पे भी काफ़ी, लेकिन जैसे ही मतलब 2-3 दिन दवा खाई तो 2-3 दिन में काफ़ी, मतलब क्या चेंजेस नज़र आए थे आपको? हाँ, एक तो मुझे जो है, मैं खाना जो है बिल्कुल कम खा रहा था। अच्छा, तो दवा जब शुरू हुई तो मुझे भूख भी लगना शुरू हुई। ठीक है, आधी रोटी से एक रोटी पे आया, फिर धीरे धीरे भूख बढ़ती चली गई तो चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हुआ। और फिर जो है जब टेस्ट कराया क्रिएटिनिन तो काफ़ी कम हो गया बीच में। कितने दिन बाद आपने टेस्ट कराया था? हमने कराया था 4 दिन बाद, 4 दिन पर आ गया था। 4 दिन में 13 से 11 पे, और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट बीच में और करवाए थे? हाँ, बीच में भी कराया टेस्ट। फिर कितना आया था नेक्स्ट टाइम? फिर ये 8 पे आया, फिर 5 पे आया। अच्छा जी, अभी कितना लेवल है? अब 1.18 है इस पर। 1.18 जी,
2.18 और ये हमारा 13 से 2.18 कितने टाइम में गया? ये तकरीबन एक महीना सात दिन में, एक महीने में हम 13 से लेवल हो गया 2। ठीक है, और अभी कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो शरीर के अंदर? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप की कंप्लेंट, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। हमने अब जब एक्सरे करवाया इसमें स्टोन भी नहीं आया इस बार? ना, स्टोन भी नहीं आया। ठीक है, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है सांस इंजीनियरिंग के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और इससे हमें बड़ी मतलब खुशी हुई, और मैं दूसरे लोगों को भी यही मशवरा दिया जो इससे मतलब पीड़ित हैं कि भाई आयुर्वेदिक में आए, और आयुर्वेदिक में जो इसका इलाज है वो एलोपैथिक में हमें नहीं मिला, मतलब हमें डायलिसिस भी बताया सीधा, लेकिन डायलिसिस से बच के हम आपके पास आए हैं, और हमें मतलब है कि हम किसी से पता भी चला था आपका पता जो है डॉक्टर पू धवन का। डायलिसिस तो एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ दवाएं रेगुलर खानी है, परहेज करना है, तो हमें एक महीने में इतना दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर हम डायलिसिस करवाते तो सिर्फ खून साफ होता, जी जी, किडनी वैसी की वैसी रह जाती, जी जी जी। हमने खून ना साफ करवा कर किडनी को पसंद किया, हमने किडनी पे काम किया, अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी क्योंकि किडनी ये काम कर रही है, जी जी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि अगर हम डायलिसिस के ऊपर किसी ट्रीटमेंट को हम चूज़ करते हैं, किडनी को अगर पसंद करते हैं, किडनी को अगर हम काम करते हैं, तो किडनी हमें उसका फल ज़रूर देती है, जी जी। वो आपका, अब आपने उसका ध्यान रखा है, वो आपका पूरे लाइफ टाइम ध्यान रखेगी। तो आपने खुद सुना कि क्रिएटिनिन लेवल 13 से 2.18 तक फॉल किया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अभी हुआ क्या, पहले इनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर केस दूसरे केस से अलग होता है। शाहबुद्दीन जी को किडनी की जो दिक्कत थी वो थी पहले सीकेडी इनका पहले से चल रहा था, इनकी जो लेफ्ट किडनी है वो साइज में छोटी है। अब उस किडनी छोटी के साथ साथ अब क्या हुआ, स्टोन भी साथ में हो गए। स्टोन की वजह से जो किडनी जो यूरिन बनाती है वो बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक हाइड्रोनेफ्रोसिस इनकी बॉडी में तैयार हुआ, और इतना ज़्यादा प्रेशर तैयार हुआ कि लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, राइट किडनी में स्टोन की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो गई, तो जो क्रिएटिनिन जो बॉडी में बन रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बीजे स्टेंटिंग करवाई, स्टेंट आप जानते होंगे कि एक हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे स्टोन बाहर आते रहते हैं। अब स्टेंटिंग हो जाने के बाद भी इनकी किडनी फंक्शनल नहीं हो पाई, तो ये क्या केस हुआ, AKI ऑन CKD। जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ जो किडनी लेवल था वो नॉर्मल आना शुरू किया, जबकि इनको डॉक्टर ने डायलिसिस कह रखा था। और डायलिसिस के अंदर और हम जो ट्रीटमेंट किडनी का करते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम डायलिसिस को चुनते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, तो क्या होता है कि हम सिर्फ खून को साफ कर लेते हैं, खून फिर से गंदा होता है, हमें फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी पे हमने ध्यान नहीं दिया। मगर अगर कहीं पर पेशेंट किडनी को पसंद करता है, किडनी का पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है, तो जो उसकी खुद की फिल्ट्रेशन यूनिट है, खुद की जो डायलिसिस मशीन यानी हमारी खुद की किडनी, वो तो दोबारा से काम करना शुरू करती है और हमें बाहर से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। ये जो चॉइस होती है ये एक मुश्किल चॉइस हो सकती है, मगर हमें इसको लेना पड़ता है, हमें अपनी किडनी पे काम करते रहना पड़ता है। तो किडनी लेवल का कुछ भी हो हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहले ज़रूरत होती है अपनी बीमारी को समझने की कि आपकी बीमारी क्या है, किस वजह से है, और जब हम सही तरीके से इस पर काम करते हैं, हर चीज़ को मेडिसिन को फॉलो किया, डाइट को फॉलो किया, तो हमें रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अब इसी के साथ हम शाहबुद्दीन जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ जब हमें मिले तो किडनी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी टाइप की कंप्लेंट ना हो, स्टंट निकल चुका हो और बिल्कुल परफेक्ट अपने लाइफ में वापस। सर इसमें भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और सिर्फ डॉक्टर के नहीं होता, डॉक्टर के साथ पेशेंट अच्छा भी होना जरूरी है जी। अगर पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कोई भी दवाई अच्छी से अच्छी दवाई लगती नहीं है। सही बात है, क्योंकि जब वो उसे खा रहा है उसे डाउट है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर कोई भी मेडिसिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर की मेडिसिन भी काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी है, ठीक है ना। तो एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कई चीज़ों का साथ में होना अच्छा ज़रूरी है, अच्छा डॉक्टर हो जी, अच्छा डायग्नोसिस हो कि बीमारी क्या है, अच्छी मेडिसिन हो, और एक अच्छा पेशेंट, और एक अच्छे पेशेंट के ध्यान रखने वाले जी। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर इनमें से एक चीज़ भी फेल होती है जी तो काम खराब हो जाता है।
अब इसी के साथ आपसे हम चलने के लिए आगे चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।